Like, share and subscribe this channel. Please press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं जो UGR का उद्घाटन अभी 16 तारीख को हुआ था, 16 दिसंबर को 2018 में जो उद्घाटन हुआ था, तो वहीं पे हम आए हैं। जैसे कि हमारे पीछे आप देख सकते हो कि UGR का काम कितना फास्ट यहाँ पे चल रहा है। जो पाइप लाइन का काम होना था, पाइप यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि बिजवासन है, कापासेड़ा, संभालका, सल्लापुर, अंबेडकर कॉलोनी, इन सभी जगह जो UGR का पानी है, इन लोग सभी जगह के लोगों को मिलेगा। तो इसके बाद हम यहाँ के जो पार्षद हैं उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं भाई कब तक ये पाइप का काम ख़त्म हो जाएगा और कब तक लोगों को ये एक खुशखबरी कहेंगे हम तो कि अच्छी खुशखबरी पीने के पानी की उनको मिलेगी। जैसे कि अब हम गए थे जहाँ पे UGR का उद्घाटन हुआ पाइप लाइन का, तो वहाँ पे काम चल रहा और हमने देखा कि जो पाइप दबने हैं वे पाइप भी यहाँ पे आने शुरू हो गए। तो हमारे साथ है नरेंद्र जट राणा जी, जिनके द्वारा ये कार्य हुआ बिजवासन में। तो इनसे पूछते हैं कि ये काम कब तक शुरू हो जाएगा और लोगों को कब तक खुशी मिलेगी। सर, जैसे हम गए थे वहाँ पे जो UGR का काम चल रहा, वहाँ पे जहाँ पे पाइप डलने वहाँ पे भी काम चल रहा और पाइप भी आ चुके हैं, तो ये खुशखबरी लोगों को कितने दिन में मिल जाएगी और कौन कौन सी जगह पानी जाएगा? धन्यवाद। आपने देखा होगा जाके मौके पे, UGR का हमारा काम शुरू हो चुका है और जो पाइपलाइन है वो करीबन करीबन 1 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हमारे पास आ चुकी है। जो आपने देखा काम शुरू हो गया है अपना, जो हमारा ये कोने पे जो फार्म है, वैदा फार्म से जाएगा सीधा कापासेड़ा चौक, जिससे संभालका और कापासेड़े में पानी जाएगा। एक लाइन हमारी चलेगी गोलोक धाम से लेकर रेलवे लाइन तक, जिससे हमारा उरला एरिया पानी हो जाएगा। तो मतलब बहुत जल्दी स्पीड से काम चल रहा है। ये उन लोगों के लिए जो कह रहे थे झूठा उद्घाटन जो पिछले 8-9 साल से हुआ था, तो ये झूठा नहीं है। आप आगे देख सकते हो, आपने खुद जाके मौके पे चेक किया होगा, ग्राउंड पे हमारे पाइप आ चुके हैं, लेवर लग रही है बहुत स्पीड से। और जो हमने हमारे भाई साहब ने, जो राघव भाई ने और दिनेश वाइस चेयरमैन ने जो प्रोमिस किया है, हम 7-8 महीने में 6 महीने में पानी पिला देंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, मतलब हम बहुत जल्दी पानी गाँव वालों को मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसे देख रहे हैं कि जितने फास्ट ये काम चल रहा है, ये कोई चुनावी एजेंडा तो नहीं है, या फिर आप जो लगे हुए थे पहले भी, आपने कई बार हमें बताया कि भाई UGR का हम जल्द ही काम करवाएंगे और उसमें लगे हुए हैं, ये वही काम है, या जैसे चुनाव 2019 के नज़दीक आ रहे उसको लेके ये और जल्दी आपका काम शुरू हुआ? नहीं, इसमें चुनाव के साथ तो मेरे ख्याल से इसको देखना वो गलत है। कौन ऐसा ठेकेदार है जो बिना काम के अपना 20-30 करोड़ रुपए लगा देगा? है कोई आज के दिन ऐसा? ये सारा प्रॉपर है। मैंने तो आपने देखा होगा जब उद्घाटन कराया था, तो मैंने तीनों एजेंसियों के नाम लिए थे। अगर हमारी जो पाइपलाइन है वो इसका ये ठेकेदार है, जो हमारी बाउंड्री कर इसका ये ठेकेदार है, और जो UGR का काम चल रहा है, तीनों के ठेकेदार अलग अलग हैं, तीनों का वर्क ऑर्डर हो चुका है, तीनों अपने काम से स्पीड में चल रहे हैं। सोमवार को हमारा इंस्पेक्शन है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन है इंडियन ऑयल के साथ है, जो उसका रोड का उसकी पाइपलाइन कहाँ से। तो आप रोज देखो, इलेक्शन का इसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे CM साहब का यही वादा है कि हर कॉलोनी हर गाँव को पानी मिले। तो इलेक्शन अपनी जगह है, इलेक्शन के साथ इसको कंपेयर करना मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, आप देख लेना, रोज़ आगे देख लेना, एक दिन भी काम बंद नहीं होगा। ये चुनाव चाहे कभी हो चाहे नहीं हो, तो चुनाव का इससे संबंध कुछ नहीं है। हमारा मकसद है क्षेत्रवासियों की सेवा करनी, उनको स्वस्थ साफ पानी पिलाना, जिसका उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये उसके लिए काम चल रहा है।
अच्छा सर, ये जो यहाँ पाइपलाइन का जो यूजीआर का उद्घाटन हुआ, इसका कितना बजट हुआ है पास यहाँ पे, कितने बजट में कंप्लीट हो जाएगा? जैसे कि द्वारका से आना है, बिजवासन तक आएगा, और बिजवासन से फिर जो आसपास की कॉलोनी है जैसे कापाछेड़ा गांव है, संभाल का, उनमें भी ये पाइपलाइन जाएगी। ये टोटल जो प्रोजेक्ट है, ये टोटल 90 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। 90 करोड़ में इसमें क्या होता है, जो MCD को भी देना पड़ता है, जो इनकी रोड कटिंग होएगी, PWD को भी देना है, जिसकी रोड कटिंग होएगी, कुछ हिस्सा DDA का है, DDA का भी जाएगा, और करीबन करीबन 20 करोड़ 50 लाख की तो ये जो अपना UGR बढ़ाएगा उस कंपनी को मिला है, 15 करोड़ के करीब हमें जो पाइपलाइन बिछाएगा उसका मिला है, 70 लाख रुपये का जो ये दीवार है उसका है, और बाकी करीबन करीबन 50 लाख रुपए हमारा BSEC को गया है, जो आपने देखा होगा UGR में ST की लाइन है उसको हटाने के लिए। तो ये 6-7 एजेंसियों का टोटल जो बजट मिलेगा दिल्ली सरकार ने, जो माननीय CM साहब ने पास किया, वो करीबन करीबन बिजवासन के लिए 90 करोड़ का बजट है। जैसे कि आपने देखा, अभी हमने नरेंद्र जी से बात की, उन्होंने सारा बताया कि कहाँ से कैसे कैसे और किस किस कंपनियों को ये बजट मिला हुआ है और कितनी जल्दी ये काम हो जाएगा। जैसे अब 16 तारीख को जो उद्घाटन किया था उसमें बताया था कि भाई 6 महीने के अंदर जो यहाँ के लोग हैं उनको पीने का पानी मिल जाएगा। तो चलो अब देखते हैं, जैसे काम के हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि 6 महीने से भी कम टाइम में शायद ये काम पूरा हो जाएगा और लोगों को ये खुशखबरी मिल जाएगी। आजाद तोमर, हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन।